ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੰਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਕੜਾਈ ਹੈ ਮਟਨ ਕੜਾਈ ਹੈ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਬਟੇਰ ਕੜਾਈ ਹੈ ਮਟਨ ਕੀਮਾ ਕੜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂਡੀ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਦੇਸੀ ਚਲੇ 40 ਮਿੰਟ ਚਲੇ ਨਾਨਾ ਬਾਸ਼ अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं मौजूद हूँ लाहौर में, और लाहौर में मेरे साथ है राना हसन सैफ, और उसके बाद असद इकबाल, और उसके बाद राय शराज अहमद। खैर, आज लाहौर में हम इंतहाई मज़ेदार किस्म के खाने खाएँगे, जिस तरह मेरा लाहौर में फेवरेट तवा पीस जो है इंतहाई मज़ेदार तवा पीस है, उसके बाद हम खाएंगे यहाँ पे सज्जी, एक बहुत मज़ेदार किस्म की सज्जी है, उनका भी एक अलग ही शपैक है। उसके अलावा हम यहाँ पे खाएंगे जावा की कढ़ाई, जावा की कढ़ाई की भी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी हुई हैं। तो आज के व्लॉग में जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी हाईली रिकमेंडेड, सिर्फ वही चीज़ें होंगी और कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं होंगी। कुछ चीज़ें मैंने पहले से ट्राई की हुई हैं और कुछ की मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी हुई हैं। खाना तो भाई खाएंगे, खाना तो अपनी ज़िंदगी है, लेकिन आज की वीडियो की खास बात यह है कि आज की पूरी वीडियो आपका भाई बनाएगा अपने नए फ़ोन से, realme XT। आपको पता है कि मैं इसको अनबॉक्स करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसे मेरे पास पड़े हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। और आपको पता है कि एक पिन पैक फ़ोन को अनबॉक्स करने के लिए बंदे से 5 मिनट भी इंतज़ार नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ा सा कहीं बिजी था जिसकी वजह से अभी तक ये पिन पैक पड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका भाई से मतलब इसको फुल अनबॉक्स करके इसका शपैक चेक करते हैं। I wake up, flex, I'm down that check. No drip, this. What? Tell him run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first die, stretch. Tell him run it up. यार क्या फैक्ट्री किस्म का फ़ोन है। वैसे आपका भाई कोई टेक रिव्यूअर तो है नहीं, लेकिन अभी से अनबॉक्स किया तो आपका भाई अब इसके बारे में आपको बताएगा तो ज़रूर। रियलमी XT अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और आपके भाई के पास पहले पहुँच चुका है। ये रियलमी का पहला फ़ोन है जिसकी बैक जो है ये ग्लास में है, सारा वाइट ग्लास है और इंतहाई शपैकी किस्म का है। और इसके अलावा इसके अंदर है स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा कोर, 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज है। आप अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज इसमें लगा सकते हैं, अपना कार्ड शार्ड जो भी लगाना है। और इसके अंदर इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है और वो इतना तेज है कि 0.34 सेकंड में इसे अनलॉक कर देता है। ये मैंने इसको लगाया भी, अपना फिंगरप्रिंट ये लगाया और ये गया, मतलब स्पीडें चेक कर रहे हो, ये गया। खैर, इसका जो फेस आईडी है वो भी इसी तरह से फास्ट है। उसके बाद 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और मेरे लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ फ़ोन में मैं देखता हूँ कि उसे मतलब फ़ोन को जब आपने कैरी किया हो तो वो इजी हो थोड़ा, और ये जिस तरह मैंने इसे पकड़ा हुआ, हाँ हेलो सर मैं रियलमी XT से बात कर रहा हूँ। खैर, तो मेरी ये चीज़ें तो अलग हैं, मेरी कहानी आगे रुकती है कैमरा पे, क्योंकि अपना भाई काम है कैमरे का। इसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा, ये पीछे क्वाड कैमरा, 4 कैमरे आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। 64 मेगापिक्सल मतलब कहना आसान है, आपको शायद इसकी कदर पता हो या ना हो, हमें पता है। इसका जो सबसे ऊपर वाला लेंस है ये है 119 डिग्री पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। उसके बाद दूसरा है मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल, और तीसरा है इसका पोर्ट्रेट लेंस, और चौथा कैमरा है इसका 4 सेंटीमीटर मैक्रो लेंस। मतलब मैक्रो लेंस मेरे लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब फूड को दिखाओ तो उसके लिए मैक्रो लेंस मतलब बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। भाई इसकी फिनिशिंग देखिए जो है ना, वो मतलब फिनिशिंग का एक अलग शपैक है, इंतहाई स्लिम और वाइट कलर, वैसे आपके भाई का फेवरेट है। खैर, आज मैं करूँगा इसका कैमरा टेस्ट, मतलब खाएंगे पियेंगे भाई वो तो अपनी ज़िंदगी है, लेकिन आज की पूरी वीडियो बनेगी इसी फ़ोन से 64 मेगापिक्सल कैमरा। चेक करते हैं ये 64 मेगापिक्सल आज की वीडियो में कितना शपैक और डाल। तीनों हज़रात, आज सबसे पहले हम खाएंगे लाहौर की सबसे बेस्ट हलवा पूड़ी, और बिग मैन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बताओ भाई इस हलवा पूड़ी के बारे में। यार ये हलवा पूड़ी जो है सादिक हलवा पूड़ी, ऑलमोस्ट 1947 से पहले की है,
इसी जगह पे है और यहाँ पे इतवार वाले दिन जो है फुल रश गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं। और ये एक और चीज़ बता दूँ जो कि नून लीग के फ़ैन होंगे उनके लिए कि ये नवाज़ शरीफ बचपन में मतलब यहाँ से खाते रहे, उनके वालिद साहब भी खाते रहे, उनका पुराना घर इसी गली में आगे जाते हैं। तो ये सादिक हलवापुरी है, 1947 से भी पहले की मतलब पार्टीशन से पहले की है। और संडे को वाकई ये मैंने खुद भी देखा हुआ है कि यहाँ पे अन्य वार रश होता है, लेकिन मैंने इसे अभी तक खाया नहीं है। तारीफ़ें बहुत सुनी है कि सादिक हलवापुरी है, देसी घी के अंदर बनती है, और मतलब एक शपैक देख के पता लग रहा है कि यार ये वाकई कोई चीज़ है। पूड़े जिस तरह पूड़े पड़े हुए हैं, हलवा पड़ा है, उसके अलावा इनकी जो कचौरियाँ पड़ी हैं, जिस तरह पूड़ियाँ बन रही हैं, मतलब एक अखीर मज़ेदार किस्म का माहौल है। और इस हलवा पूड़ी की मैंने तारीफ़ बहुत सुनी है, और ये तला के बकौल लाहौर की सबसे अच्छी हलवा पूड़ी, ऐसा ही सही है। और अगर ऐसा ना हुआ ऐसा ही बाकी, चलो मतलब चेक करते हैं कि ये बाकी लाहौर की सबसे अच्छी हलवा पूड़ी है या नहीं है। अभी शादी की हलवा पूड़ी हमारे पास आ चुकी है, और इस हलवा पूड़ी के अंदर हमने मंगवाई हैं 10 पूड़ियाँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा एक जिन है, इसको देख सकते हैं आप। 10 पूड़ियाँ और बड़ी ही क्रिस्पी किस्म की पूड़ी है जो कि फुल देसी घी के अंदर बनी हुई है। और उसके अलावा चने हैं जो एक लाहौरी स्टाइल के बड़े थिक से चने होते हैं, और साथ चिकन कचौरी है, और उसके अलावा ये आलू हैं बड़े मज़े के अचार वाले, उसके अलावा इनका हलवा है, उसके अलावा पूड़ा है। पूड़ा इंतहाई मज़ेदार किस्म की चीज़ है, मतलब ये इतने इतने से पूड़े हैं और देखने में फुल जो है ना वो शाइनी और क्रिस्पी। अभी खा के चेक करते हैं इनकी देसी घी वाली हलवा पूड़ी। सही मज़ेदार चने और क्रिस्पी पूड़ी है, फुल क्रिस्पी, मतलब इस तरह लग रहा है जिस तरह पापड़ बने हुए, वो बड़ा मज़ा करवा रही है। और चने जिस तरह लाहौर के चनों का तो फिर पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता है, और उसी टाइप के चने हैं। साथ ही जो मज़ेदार चीज़ जो देखने में लग रही है वो ये आलू जो है, अचार वाले आलू, और ऊपर इन्होंने ये मेथी डाली हुई है इसके, खट्टे खट्टे आलुओं से भरी हुई पूड़ी और मेथी। यार इंतहाई मज़ेदार चीज़ है भाई, असल मज़ेदार चीज़ है इनका हलवा, इंतहाई फ्रेश किस्म का हलवा। और ये जब बाहर पड़ा होता है ना उस वो थाली के अंदर, तो मतलब सही मज़ेदार किस्म की चीज़ नज़र आती है, इतना फ्रेश हलवा है। और ये इतना फ्रेश इसको मेरा realme ही दिखा सकता है, और ये मतलब हलवे का एक अलग से शुपैक है। ओहो अखीर मज़ेदार। और ये पूड़ा एक बड़ी मज़े की चीज़ है, पूड़े की एक साइड है प्लेन क्रिस्पी और एक साइड है जिस तरह वो मतलब फूली हुई है। अभी ये फिर realme ही दिखा सकता है भाई। पूड़े के अंदर वाली जो चीज़ है ये बड़ी सॉफ्ट किस्म की चीज़ है, और साइड पे इसकी पूरी क्रिस्पी मतलब ये पूड़ा है। चिकन कचौरी की जो शक्ल है देखने में वो मतलब ऐसी मतलब इस तरह उसकी लेयर्स बनी हुई है सर्कल में, और इंतहाई क्रिस्पी किस्म की लग रही है। ओए होए होए यार, ओ यार कचौरी मेरी वैसे बड़ी फेवरेट चीज़ है, और ये कचौरी इंतहाई मज़ेदार, मतलब इसके अंदर चिकन कीमे की एक प्रॉपर लेयर है, और ये फुल क्रिस्पी किस्म की कचौरी है। आज का हमारा सेकंड नाश्ता पॉइंट जो है वो है तारा भट्ट गवाल मंडी में। ये पीछे फीका है, और फीके के बिल्कुल सामने बैठा है तारा भट्ट। ये सुबह तकरीबन 4 बजे लगाते हैं, और संडे को शायद इनका ख़त्म हो जाता है 8-9 बजे, वरना वीकडेज़ में ये 10 बजे तक यहाँ बैठे होते हैं। तारा भट्ट पहले जब मैं आया मुझे बड़े सीरियस किस्म के इंसान लगे, लेकिन फिर बात हुई तो इंतहाई अच्छे किस्म के इंसान हैं, बड़ी स्टोरी है बंदे की। पहले जो है इनकी वालदा पकाया करती थी ये सारा कुछ, और उसके बाद इनकी बेगम पकाने लगी उनके इंतकाल के बाद, ये खुद खड़े मतलब अब बनाते ही खुद हैं। और उसके बाद जो इनके बच्चे USA और UK में सेटल हैं, ये इनको ये सिर्फ टाइम गुजारने के लिए यहाँ पे अपना देसी मुर्ग और इनके पास चने वगैरह होते हैं वो लगाते हैं। और वो मुझे बता रहे थे कि मैं गर्मियों में जो है वो अपनी छुट्टियाँ अपने बच्चों के पास UK और USA जाके गुजार के आता हूँ। बंदे की फुल स्टोरी है अपना टाइम गुजारने के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब वो यहाँ पे खड़े हैं। और अन्नी डाली हुई है इन्होंने कि मतलब संडे वगैरह को तो बहुत रश होता है, लेकिन वीकडेज़ में भी, आज कोई वीकेंड नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास जो रश है वो बड़ा अखीर है। और तारा भट्ट खुद एक बड़ा छुपैकी किस्म का आदमी है। जिंदगी गुजर गई है, 40 साल हो गए, देसी मुर्गा, देसी चने, काली मिर्च चने,
लो जी तारा बट देसी मुर्गा ते छपैकी शोरबा। इंतहाई मज़ेदार भाई, शदीद लजीज़ किस्म का टेस्ट है, मतलब देसी चिकन है और साथ में जो शोरबा है उसका टेस्ट बिल्कुल पायों वाला है। मैं वैसे पाया लवर हूँ और पाए का शोरबा और मतलब टेस्ट वैसा है और साथ में देसी चिकन अखीर मज़ेदार थी। हमने मंगवाए हैं दो प्याले, एक में जो है वो देसी मुर्गी की टांग है और एक में चेस्ट है। एक में हमने चने भी मिक्स करवाए क्योंकि इनके चने देखने में बड़े मज़े के लग रहे थे। और ये चने और चेस्ट भाई क्या मज़ेदार इनका टेस्ट है, मतलब अगर आप प्लेन शोरबा लेंगे तो वो आपको मतलब फुल पाए वाला मज़ा देगा लेकिन बीच में चिकन, और अगर चने वाला लेना है तो वो भी इंतहाई मज़ेदार चीज़ है। चने साथ में जो है वो देसी मुर्गी का आपको पता अपना ही शपैक होता है। भाई अगर इसका ज़्यादा मज़ा लेना है तो पहले तो खाना है ये शोरबे के अंदर डुबो के, फिर शोरबे को पीना है, और अगर मज़ा इससे भी कोई ट्रिपल करना है तो फिर इस तरह उठानी है बोटी। अभी हम लोग आए थे जेड कैफे का डिज़र्ट ट्राई करने और मैं यहाँ पे आपको अपने रियलमी XT के पोर्ट्रेट मोड का शपैक चेक करवाता हूँ। इतना कोई अखीर किस्म का इसका पोर्ट्रेट मोड है, बाकी वीडियो का शपैक तो आप चेक कर ही रहे हैं साथ साथ, और जितनी भी मैंने पिक्चर्स बनाई हैं इस फ़ोन से वो आपकी स्क्रीन पे हाजिर। भाई अब आपका भाई पहुंच चुका है जावा कढ़ाई खाने, जावा कढ़ाई जो कि है इकबाल टाउन रोड पे स्कीम मोड़ के पास है, और ये कढ़ाई इसको तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं और यहाँ पे जो मतलब कढ़ाई का जो शपैक चल रहा है, मतलब एक टाइम में कोई 10-12 कढ़ाइयाँ बन रही हैं और ऐसा सीन मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। मतलब बड़ी जगह पर कढ़ाइयाँ खाई हैं लेकिन कोई 4-5 कढ़ाइयाँ बनती भी देखी हैं, 10-12 कढ़ाइयाँ, और जिस तरीके से बन रही हैं मतलब वो आग उड़ उड़ के जा रही है और जनाब वो लगे हुए हैं, मतलब इंतहाई मज़ेदार सीन है। और ये मेन रोड के ऊपर है, बाहरी बैठने की जगह बड़ी मज़ेदार किस्म की, और कढ़ाई की बहुत तारीफ़ सुनी और बड़े अरसे से मैं इसकी तारीफ़ सुनता आ रहा हूँ, तो अभी जावा की कढ़ाई चेक करेंगे। इधर कोई 50-60 तो स्कूटरियाँ ही खड़ी हैं एक लाइन में, मतलब आवाम इस कढ़ाई को पसंद करती है तो यहाँ पे इतना रश है। अभी चेक करते हैं जावा की कढ़ाई फुल मज़ेदार किस्म। यहाँ पर 5 साल हो गए और यहाँ इनको 10 साल से भी ज़्यादा हो गए इस ब्रांच को जी। हम देसी घी का टेस्ट लेते हैं जी कढ़ाई में जी, कढ़ाई हमारी टोटल जो भी है चिकन है मटन है सारे देसी घी में तैयार होती है जी। स्कीम मोड इलामा इकबाल टाउन रोड है जी, हमारी खुदा के साथ का शुक्र है 2.5-3 मन कढ़ाई बिकती है जी। चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, बीफ अपना बटेर कढ़ाई है, मटन कीमा कढ़ाई है जी, बोनलेस हांडी है जी, अचारी हांडी है जी, फिश है, बारबेक्यू है जी। जावा की मखनी कढ़ाई और इंतहाई शपैकी किस्म की कढ़ाई, मतलब जो एक क्रीमी किस्म की कढ़ाई होती है ना जिसकी ग्रेवी भी ज़रा ऐसे मतलब बड़ी मज़ेदार क्रीमी सी ग्रेवी होती है, उस तरह की ये देखने में फुल मज़ेदार है, शपैकिलिशियस। हाय 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 यार, इंतहाई शदीद मज़ेदार किस्म की कढ़ाई, और हमने मंगवाई आधा किलो और आधा किलो की क्वांटिटी मुझे 1 किलो लग रही है, लेकिन है आधा किलो, लेकिन ये क्वांटिटी ज़्यादा ही देते हैं, मतलब मुझे आधा किलो आके लग नहीं रही, उतनी ही मज़े की और क्वांटिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। है मखनी कढ़ाई, चिकन मखनी कढ़ाई, और फील हो रहा है प्रॉपर कि ये मखनी है, लेकिन ये एक मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पर आके आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है,
अगर फुल भूख लगी भी आप आओगे आपको 10 से 12 मिनट में कढ़ाई मिल जाएगी, क्योंकि इनकी कढ़ाइयाँ वहाँ पे अन्य वह कढ़ाइयाँ बन रही हैं, क्योंकि कस्टमर आई जा रहा है, कढ़ाई बनी जा रही है, उतरी जा रही है, बनी जा रही है, उतरी जा रही है। लेकिन इसमें मिर्चें थोड़ी ज़्यादा हैं, मतलब कि अगर आप मिर्चें कम खाते हो तो उन्हें आपको पहले बताना चाहिए जावा पे आके कि मैं मिर्चें कम खाता हूँ, मुझे कम मिर्चों वाली देना, वरना ये थोड़ी स्पाइसी कढ़ाई है। वैसे आपस की बात है, मैं खुद मिर्चें कम खाता हूँ, मुझे इसलिए थोड़ी मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन मज़े की बहुत है क्योंकि ये मखनी कढ़ाई है, प्रॉपर मक्खन का इसमें टेस्ट आ रहा है। और इसमें जिस तरह पेशावरी कढ़ाइयाँ होती हैं, टमाटर और मिर्चें वगैरह साबुत इस तरह बीच में पड़ी हुई हैं। एक बार फिर मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा थी और मुझे मतलब मिर्चें थोड़ी कम ज़रा थी, कढ़ाई बहुत मजे की। भाई जितना साथ मेरा इस फ़ोन ने दिया लो लाइट में, मैं कहता हूँ अखीर किस्म का इसका रिजल्ट है। और अभी मैं हूँ रॉयल पाम गोल्फ रिजॉर्ट में, रियलमी XT जिससे ये वीडियो बन रही है, इसका लॉन्च इवेंट है। ये पीछे ये रियलमी जिस तरह लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ फुल शिपैकी किस्म का। और अभी यहाँ पे पहले इसका लॉन्च इवेंट है, उसके बाद यहाँ पे खाना शाना, मैं कहता हूँ फुल अन्य बातों को लाऊँ। मेरी एक ख्वाहिश थी पाकिस्तान में ऐसे कैमरे होने चाहिए कि हर बंदा बाहर से पाकिस्तान में तस्वीरें खींच ले। एक कैमरा आपकी तस्वीर लेगा, दूसरा कैमरा आपको फोकस करेगा, तीसरा आपके बैकग्राउंड को पहुंचेगा, और अगर उसके बावजूद भी आप पहले नजर आते हैं तो कसूर कैमरे का नहीं, कसूर आपका है। ऐसे भी मैं तो इसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी पूछते हैं समो भाई हमारे साथ हैं। समो भाई आपको कैसा मेरा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा है, ये जब से लॉन्च हुआ है तब से मैंने ले लिया, और इससे बेहतर मुझे कोई फोन दिखा नहीं। अच्छा ठीक है, और चार कैमरा, ओ माय गॉड, एक नहीं तो दूसरा सारे अच्छे ठीक है। तो अगर आप तस्वीर खींचेंगे कितनी वो डिटेल आएगी इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम के जो है ब्लॉगर्स हैं उनके लिए बेस्ट, उनके लिए वाकई बेस्ट है। और ये समी भाई जो है ये यूज कर रहे हैं तकरीबन इसको कितने दिन हो गए आपको यूज करते हुए? सच बताना है ये वैसे मेरे पास वाइट है और ये ब्लू मुझे पसंद आया यार, बाकी इनका पोर्ट्रेट मोड बाकी बहुत पसंद है। और 64 MP कैमरा जो है वो मतलब जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है उसके हिसाब से बहुत अच्छा बिल्कुल। अच्छा मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अपने तमाम देखने वाले और सुनने वालों और जो देख सुन नहीं सकते उन लोगों को भी कि देखिए शक्ल अच्छी है नहीं है, फ़ोन ज़रूर अच्छा होना चाहिए। देखिए शक्ल आपकी चॉइस नहीं है, फ़ोन आपकी चॉइस है, अच्छी चॉइस करें ताकि लोग आपको सराहें, आपको अप्रिशिएट करें। और जो फ़ोन को बगैर स्पीकर के यूज़ करता है और कान में टूटियां लगा के यूज़ करता है, उसको चाहिए अपना फ़ोन किसी नाली में रोड दे। स्पेशली अगर आप इस प्राइस रेंज में देखो तो लाइक यू आर गेटिंग क्वाड कैमरा विद क्या डिज़ाइन है, एक तो सबसे पहले वो ब्लू वाला जो कलर है ना वो सबसे फिट है। यार काश ये फ़ोन मैं अपने पास रख सकता, लेकिन इसे अनबॉक्स करने से पहले मैंने फैसला कर लिया था कि ये मैं अपनी अम्मी को गिफ्ट करूँगा। वीडियो बनाने के दौरान आपका भाई इतना पिघला कि यार रख लेता हूँ, लेकिन अब सोच जो लिया था। खैर अम्मी आपका नया फ़ोन आपको जल्दी मिल जाएगा, बस मैं इसके 3-4 दिन और मज़े ले लूँ। अम्मी को मैं आईफोन से इस पर क्यों कन्वर्ट करवा रहा हूँ उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको देता हूँ। मैं इसको 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इस फ़ोन के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ें लगी, सबसे पहले तो कैमरा, लाजवाब कैमरा, मतलब ऐसा पोर्ट्रेट मोड मैंने इतना क्लैरिटी वाला पोर्ट्रेट जो है वो कहीं नहीं देखा। और उसके अलावा इसका कैमरे के शपैक आप वैसे वीडियो में भी चेक कर चुके हो, और तस्वीरों वाली गेम इसकी बहुत हाई है भाई। दूसरी चीज़ ये कि इसका ये लॉन्च इवेंट में 55,000 इसकी प्राइस है जो उन्होंने अनाउंस की है, और 55,000 मेरे ख्याल से इस डिवाइस के लिए इतना कोई रिजनेबल प्राइस है ये। उसके अलावा इसका डिस्प्ले इंतहाई मज़ेदार किस्म का इसका डिस्प्ले है, मतलब आप अपने भाई की वीडियो जब इसके डिस्प्ले पे चला के देखोगे ना, ओह मज़ा आ जाएगा। और उसके अलावा इसमें मतलब जिस तरह आपके भाई का इंस्टाग्राम चल रहा है, इसका अलग शपैक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं करना चाहें तो। और उसके बाद आप मेरे रियलमी XT की खूबसूरती तो चेक कर ही चुके हैं। खैर ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वो बोलते हैं ना लाइक शेयर सब्सक्राइब। खैर अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा एक बार फिर से, आपका मेज़बान है जैसे।